कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और इसी बात को सच साबित किया राजधानी लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और काबिलियत के चलते 2018 में रेयर सर्जरी की और उस सर्जरी को सफल भी बनाया। इसी को आधार मानकर 12 जनवरी को मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें चंदन हॉस्पिटल के तमाम जाने माने डॉक्टर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही अपनी उपलब्धि के बारे में रेस्पिरेटरी चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी, एट द सेम टाइम इंसिडेंटली इट वाज गेट फ्रॉम द जो उसका हैंडल है उससे निकल गया एंड गेट इंगल्फ्ड इनसाइड द लंग्स एंड व्हेन द एक्सरे वाज डन दिस वाज यू कैन सी हियर हियर इज द आरसीडी फाइल This was structured in the left main pelvis. So she came in walking position, no respiratory distress, क्योंकि बहुत ही पतली थी तो respiratory distress नहीं था, but it was so pinpoint that he can puncture the airway and can go anywhere and can the damage to the any artery or heart nearby there. So we decided to remove this. This is the incidental case of the incidental pulmonary aspiration. In the lung. So he decided to do, play the video. This procedure is done under the general anesthesia because we had to need the patient to be relaxed because there is the busy bronchoscope which had to be go pass through the vocal cord to the main trachea, main large airway and to the destination points where is the foreign body is there. So this is the rigid bronchoscope which already has been inserted into the main trachea and later on it has been the left main bronchus and holding with the forceps which was been stuck in the left main bronchus. We are coming out with the RCD file and this is the RCT file which is almost 2 cm in the size. So this is all the life saving procedure which needed urgent and these in my best of knowledge in Lucknow except the PGI we are the first person here done this two type of the case like the stenting and RCT lumbar body removal. Neurosurgeon spine skull base Dr. Mohammad Iqbal. And we would have clipped it. Whole this procedure would have taken at least 4 to 6 hours. And to patient to get this totally free from this complication, I think it's not very difficult to comment that patient won't have any complication to do that type of surgery. Lekin, but we haven't done that. So what we have done the coiling. So ye hamara ye coil hai, jo maine aadha daal liya, aadha main daal raha hoon. तो ये हमारा वीडियो है डालते हुए ये देखिए धीरे धीरे करके ये कॉइल एन्यूरिज्म के अंदर जा रहा है ये मैंने पूरा कैथेटर इसमें दिख रहा है मैंने इसके अंदर पूरा डाल दिया और ये धीरे करके पूरा ब्लॉक हो गया ये उसी का ही फोटो नेगेटिव इमेज में कि जब मैं डाल रहा हूँ ये डालने के बाद ये देखिए जो पहले यहाँ पे आपको पूरा कालापन दिख रहा था ये गायब हो गया है और थोड़ा से नीचे का छोड़ना पड़ा मुझे क्योंकि यहाँ से वेसल जा रही थी अगर मैं पूरा इसको ब्लैक कॉइल कर देता तो इस वेसल की भी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती और ब्रेन में अगर छोटी सी वेसल इवन छोटी सी भी वेसल की भी ब्रेन सप्लाई बंद होगी तो हमको कुछ ना कुछ डेफिसिट आ जाते हैं डेफिसिट किसी तरीके के भी हो सकते हैं कि हो सकता है हमारी उंगली ना काम करे या हम ठीक से बोल ना पाए कुछ भी हो सकता है सो वी हैव टू टेक बी वेरी कॉशियस व्हाइल डूइंग कॉइलिंग इन अ ब्रेन कि वो दूसरी वेसल्स को बचा के रखना है और अपना ही काम खाली करना है ये सेम व्यू सेम केस बट इन एपी व्यू दैट वाज लैटरल व्यू ये इसमें डला हुआ कॉइल ये पूरा इमेज एक्सरे आफ्टर डेट ये जो काला दिख रहा है आपको ये कॉइल है जो मैंने डाल दिया है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट दिस पेशेंट इज जस्ट आफ्टर 3 days ऑफ अ सर्जरी और ये जो आपको बड़ा सी बोल से दिख रहा है ये पेशेंट को जब सेकेंड टाइम ब्लीड हुआ था तो शी वॉज जस्ट वॉकिंग एंड शी फेल ऑन हर हेड जिसकी वजह से ये इसको हिमाटोमा हो गया तो ये उससे कोई लेना देना नहीं है सर्जरी से पेशेंट इज एबल टू टेक हर नेम नाउ शी इज टोटली कॉन्शियस ओरिएंटेड
और अगर मैंने सर्जरी करी होती तो पेशेंट को इस कंडीशन में आने में मिनिमम 7 to 10 days लगते और कॉम्प्लिकेशन अलग से होते, पर शी हैजंट एंड पूरे आप देखिए बाल पूरे हैं इनके, कोई इंसिजन नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, पेशेंट इज ऑल्सो हैप्पी, पेशेंट रिलेटिव इज ऑल्सो हैप्पी। तो थैंक यू रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित अग्रवाल। बलून प्लास्टी है, सर्जरी बलून एंड वी इंसर्टेड अ स्टेंट टू रीस्टोर द नॉर्मल बाइल फ्लो। So to conclude, what we want at the end of the day is happiness of our patients and happiness of the referring physician as an IR. GI surgeon Dr. Alankar Kumar Gupta. Flexible bronchoscope, it can be used as solid bronchoscope as well in the open surgeries, and I have used it. And then I close the CT. The largest hemolog. It can go through 12mm port and we can, it can take even ligate 1 to 1.5 centimeter CBT, it can be ligated for using this. Again using thunder bead, we have taken out the valve. Thank you all. These are the few cases which we have done. And ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर विवेकानंद सिंह। मार्जिन हमारी पूछ से निकल सकती है और रिकंस्ट्रक्शन से फायदा यह है कि मरीज को खाने पीने में भी आगे दिक्कत नहीं आएगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके रिकंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। अगर हमारा 4 घंटे की कैंसर सर्जरी है तो कम से कम 10 घंटे की हमारा रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होता है। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट बाद में रिकंस्ट्रक्शन करा ले, एक ही टाइम में होगा। और इसके साथ प्रॉब्लम यह होती है कि जो हमारी 4 घंटे की सर्जरी है वो हमारी 12 घंटे की 18 घंटे की सर्जरी हो जाती है और उसमें कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है, खतरा बहुत बढ़ जाता है, पेशेंट के पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। बट मैं खर्चे के हिसाब से बोलना चाहता हूँ कि जो लखनऊ कॉर्पोरेट्स में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को कंपेयर करूँ तो कॉस्ट इज मोर और लेस सेम। बट इफ वी आर कंपेयरिंग विद बॉम्बे और दिल्ली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, दे आर चार्जिंग ट्वाइस देन अस एंड द वेटिंग इज इम्पॉर्टेंट। इन टाटा हॉस्पिटल they are waiting at least 2 months waiting list and we are operating within a week. Next slide. My final conclusion is we have to in oncosurgery of head and neck cancers widely remove the tumor, but reconstruction is more important and essential for good quality of life. And in Chandra Hospital we are providing both the things, we are removing, we are giving good survival with better quality of life and the cost efficiency also. Finally, little bit two stories. My this patient I had operated 10 years back, or he is architect by profession. This is my first case of microvascular flap. थोड़ी सी story है इसकी, he is architect by profession और इसने मुझसे ज़्यादा कमाया है। 2011 में मैंने इसको operate किया था, मेरा बच्चा जब जन्म हुआ है, और 8 साल हो गया उसको। और इसकी सारी तकलीफ का मुझे अंदाज़ा है। ऑपरेशन में मेरे को बहुत टेंशन थी, कम से कम 14-15 घंटे की सर्जरी थी ये। और ये पेशेंट ने एक अच्छी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के लिए खरीद के रखी है, आई थिंक 2-3 BHK, और मेरे ख्याल से कम 1-1.5 करोड़ की तो कॉस्ट होगी उसकी। 10-12 साल में अगर कैंसर का पेशेंट खा पी के पूरी टंग निकाल चुका हूँ इसकी, और उसके बाद इसकी सिर्फ एक तकलीफ रहती है, तो था बाकी तब ठीक है, मैं दादू की बाकी नहीं खा पाता, काजू की बर्फी नहीं खा पाता हूँ, ये उसकी कंप्लेंट थी। और उसकी वाइफ बहुत खुश। अपनी सर्जरी के बारे में बताया, साथ ही स्पीकर्स के तौर पर तमाम जानकारियाँ दी। आपको बताते चले कि चंदन हॉस्पिटल लखनऊ के मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स में से एक है, जिसके ऑनर डॉक्टर अमर सिंह है और जिसमें अपने क्षेत्र में निपुण डॉक्टर्स की टीम भी उपलब्ध है।